प्रैक्टिकल सेशन भी देखेंगे कि कैसे हम ये वेरिएबल नेम्स लिखते हैं और कैसे हम वो यूज करते हैं। तो अब देखेंगे कि जो वेरिएबल नेम्स हम कौन कौन से यूज कर सकते हैं, कौन से यूज नहीं कर सकते। अब कैसे करना है, सपोज ऐसे इंट, ये तो बेसिक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर अभी तक जो है अवेलेबल तो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो इससे पहले मैंने बोला ये चीजें तो आपको लिखनी ही है, इनका हर एक का एक डिफरेंट मीनिंग है, वो हम मीनिंग जानेंगे। पहले हम डेटा टाइप लिखते हैं, तो मैं दिखा दूं कि ऐसे लिखते हैं हम डेटा टाइप, फिर वेरिएबल का नाम, ठीक है, डेटा टाइप फिर वेरिएबल का नाम लिखना, फिर टर्मिनेट कर सकते हैं। तो डेटा टाइप लिखेंगे पहले, सपोज इंट, फिर सपोज मैं नम लिखूंगा या नंबर लिखूंगा कुछ नम, ठीक है, तो एक वैलिड, तो एक वैलिड है, तो ये से ऐसे हम लिख सकते हैं इंट नम, ठीक है। मैं एक और यहाँ पर लिख सकता हूँ इंट नम टू, ठीक है, क्योंकि मैंने इसका पहले, क्योंकि इसमें नंबर भी है, इसमें अल्फाबेट्स भी आ गए, उसमें डिजिट्स भी आ गए, लेकिन डिजिट जो है लास्ट में आ गया, तो ये भी एक वैलिड है। मैं लिख सकता हूँ हैश अंडरस्कोर नम थ्री, ठीक है, तो पहले अंडरस्कोर आ गया तो ये भी वैलिड है, ठीक है, तो ये तीनों जो है ये वैलिड है। अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहूँ तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये प्रोग्राम मेरा रन हो गया, ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है। लेकिन अब वो एग्जांपल्स देखेंगे हम जो इनवैलिड है, सपोज टू नम, अब मैंने यहां पे पहले नंबर यूज किया उसके बाद नम लिखा, ठीक है, तो पहले नंबर नहीं होना चाहिए। अब अगर इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम तो ये जो पहले मैंने नंबर लिखा तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे जैसे मैं इसको एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ, कंपाइलर रन करना चाहता हूँ, ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, ये मुझे दिखा रहा है कि एरर है कुछ, ठीक है, यहाँ पे कुछ एरर है, और वो एरर जो है उस एरर की डिफिनेशन मुझे नीचे पे दिखाई गई है, यहाँ पे दिखाई गई है कि एरर क्या है। ये मुझे बोल रहा है एरर इनवैलिड सफिक्स नम ऑन इंटीजर कॉन्स्टेंट एक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर और न्यूमेरिक कॉन्स्टेंट, ये मुझे बता रहा है, ये एक अपने तरीके से ये एरर को डिफाइन कर रहा है, लेकिन अगर जो ही मैं इस चीजों को जानूंगा, मुझे ये बता रहा है कि ये जो आपने नम के पहले जो है थ्री लिखा, ये अलाउड नहीं है, ठीक है। तो हमें एक चीज समझ आई कि पहला डिजिट जो है पहला जो इसमें करेक्टर होगा वो तो अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर होगा, डिजिट नहीं हो सकता, 0 to 9 में कुछ नहीं हो। अब दूसरा, मैं इसको इंट नम वन, मैंने नम वन इसका नाम रखा, लेकिन नम और वन के दरमियान एक स्पेस डाल दी, ठीक है। अब मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूंगा, फिर से मुझे एरर दिखा रहा है, ठीक है, फिर से एरर आ रहा है मुझे कुछ, और यहाँ पे अभी मुझे बोल रहा है ये जो एरर की यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है नीचे की, एरर क्या है, ये मुझे बोल रहा है वन डिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फर्स्ट Undeclared identifier report each only function appear. ये एक अपने तरीके से एरर दिखा रहा है कि एरर धीरे धीरे हम ये समझेंगे कि किस एरर को कैसे समझना है, इसका मतलब क्या है। तो फिलहाल ये दिखा रहा है कि फिलहाल ये इस एरर की डिफिनेशन बता रहा है कि जो आपने इस नम और वन के दरमियान स्पेस दी है, ये अगर आप हटाओगे तो ये आपका प्रोग्राम जो है सही से चलेगा। अगर हमने हटा दी और अब रन करेंगे, देखो अब रन हो गया, we got this black screen, this means we have सक्सेसफुली रन, ठीक है। तो ये जो दो तरह के इनवैलिड थे, तीसरा था सपोज मैं इंट के बाद एक कीवर्ड देता हूं फ्लोट, इंट के बाद एक कीवर्ड मैंने यूज किया फ्लोट, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूं, फिर से मुझे एरर आ रहा है। अब जो नेक्स्ट एरर आ रहा है, मुझे फिर से यहां बोल रहा है एरर टू आर मोर डेटा टाइप्स इन डिक्लेरेशन स्पेसिफायर, ये जो आप एक ही डेटा टाइप यूज कर सकते हो, ठीक है, आपने डेटा टाइप के बाद फिर से एक डेटा टाइप लिखा है, ये अलाउड नहीं है। तो यहाँ पर हाँ, सपोज फ्लोट एक डेटा टाइप है, मैं फ्लोट्स एस लिख सकता हूँ, फ्लोट्स कोई डेटा टाइप नहीं है, ठीक है, जब मैं इसको करूँ एग्जीक्यूट तो ये हो जाएगा। तो वी गॉट द थ्री थिंग्स डन हियर दैट ये जो हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल हम यूज करते हैं किसी
लोकेशन को स्टोर करने, किसी डेटा को स्टोर करने के लिए, और ये किसी मेमोरी लोकेशन का एक नाम होता है, ठीक है। मेमोरी लोकेशन के कैसे मेमोरी लोकेशन होती है, ये चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाती है कि कैसे चीजें स्टोर होती है, कौन सी चीजें कहाँ पे स्टोर होती है, हमारे पास कितनी मेमोरी अवेलेबल होती है, वो सारी चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम में आ जाती है, ठीक है। सपोज अब हम इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल करेंगे, हम लिखेंगे इंट नंबर 1 इज कॉल्ड 10, ठीक है, इंट नंबर 1 इज कॉल्ड 10, फिर इंट नंबर 2 इज कॉल्ड 20, ठीक है। अब हम यहाँ पे तुमने दो चीजें लिखे, इंट एक नंबर 1 इसका इसमें 10 रखा है, और इंट नंबर 2 इसमें क्या रखा, इसमें मैंने 20 रखा। फिर मैं एक और लिखता हूँ इंट सम, ठीक है, मैंने इंट एक और लिखा इंट सम। अब इस सम में मैंने कुछ नहीं किया, मैं टर्मिनेट किया। फिर मैं नीचे लिख सकता हूं सम इज इक्वल्ड नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है। तो यहां पर आप ये ऐसे भी लिख सकते हो, कोई स्पेस देने की जरूरत नहीं है, स्पेस भी दे सकते हो। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने सिंपल मैं एक नंबर 1 लिखा पहले, ठीक है, नंबर 1 इंटीजर में एक वेरिएबल लिखा नंबर 1 उसका नाम, और उसको वैल्यू असाइन किया 10, ठीक है। तो आई गॉट अ नंबर 1, मेरे पास अब एक यहाँ पर एक डिब्बा आ गया, उसमें वैल्यू है 10, ठीक है। फिर एक और डिब्बा आ गया, उसमें वैल्यू रखा मैंने 20। फिर मैंने सम नाम का एक और डिब्बा बनाया, लेकिन मैं उसमें मैंने अभी कुछ नहीं रखा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब मैंने ये किया, मैंने इसको बोल रहा हूँ कि इन दोनों की जो चीजें हैं, इन दोनों का जो चीज है वो इसमें डाल दो, यानी दोनों का सम इसमें डाल दो। तो इसका मतलब इस सम में मुझे टोटल जो है लास्ट में दिखना चाहिए, सम में जो क्या होना चाहिए, सम में मुझे आना चाहिए लास्ट में कि वी हैव सम 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30, ठीक है। तो कल हमने प्रिंट ऐप देखा था, तो प्रिंट ऐप हम देखेंगे क्या इसका वैल्यू, सम का वैल्यू 30 आता है कि नहीं। हम ऐसे देखेंगे बैक स्लैश एन नीचे करेंगे, थोड़ा सा बैक स्लैश टी थोड़ा सा दाएं करेंगे, जो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था कि बैक स्लैश एन का मतलब होता है एक लाइन नीचे जाओ, बैक स्लैश टी का मतलब चार स्पेसेस थोड़ा सा दाएं में जाओ, टैब जिसे हम बोलते हैं। तो मैं लिखूंगा सम इज इक्वल टू, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है मैं कुछ एक्स्ट्रा चीजें यूज कर रहा हूँ, परसन डी, फिर यहां से कॉमा और यहां से सम। अब यहां से ध्यान रखना है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीजें की, कल मैंने ये नहीं की थी, ये चीजें मैंने इतनी तो की थी, परसेंट एन परसेंट टी सम इज इक्वल, ठीक है। यहां तक जो सारी चीजें ये तो मैसेज ही है, ये तो सीधे मैसेज ही है, इसमें कोई नहीं, लेकिन ये मैं कुछ एक्स्ट्रा लिख रहा हूं। अब ये परसेंट डी जो है ये भी एक स्पेशल टाइप का कैरेक्टर है, ये इसका मतलब क्या बोल रहा है, इसका मतलब बोल रहा है कि इसके बाद जो आएगा, इसके बाद जो कॉमा करके आप कोई वेरिएबल लिखोगे उसका वैल्यू दो। यहाँ पे ये बात समझ नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे जो आप वैल्यू, यहाँ पे जो आप वेरिएबल लिखोगे उसका क्या दो वैल्यू, उसमें जो वैल्यू आ गया है वो दो, ठीक है। इसका एक आउटपुट देखते हैं, थोड़ा सा उससे समझ आ जाएगा, इसको एग्जीक्यूट करते हैं कंपाइलर, ठीक। तो यहां पे हमें जो है आउटपुट जो मिला, हमें यहां पे आउटपुट अगर हम देखेंगे तो आउटपुट ये हमें मिला, ठीक है, सम इज कॉल्ड 30, सम इज कॉल्ड 30, ठीक है। तो सम इज कॉल्ड 30 हमें यहां पे आ गया, यही आना भी चाहिए। हमने क्या किया था, दो नंबर्स लिए थे, एक नंबर लिया था हमने नम वन जिसमें वैल्यू हमने 10 दिया था, एक नंबर नम टू जिसमें वैल्यू 20 दिया था। फिर सम में हमने क्या किया था, इन दो नंबर्स का ऐड किया था, ठीक है। फिर हमने प्रिंट अप किया सम, सम को इस सम में जो वैल्यू है वो निकाला, वो कैसे निकालते हैं हम, वो निकालते हैं इंटीजर का वैल्यू निकालते हैं परसेंट डी से, इंटीजर का वैल्यू निकालते हैं परसेंट डी से। तो फिर हमने परसेंट डी किया, तो जो ही हमने परसेंट डी किया तो परसेंट डी के बाद क्या हुआ, यहां पर हमें इस सम का वैल्यू,
वैल्यू लिखना होता है कि किसका हमें वैल्यू चाहिए। मैंने यहाँ पे सम लिख दिया, इसका मतलब इस परसेंट डी के बदले इस सम का वैल्यू आ जाएगा। तो इस परसेंट डी के बदले इस सम का वैल्यू आ गया, सम का वैल्यू जो था वो हमारे पास 30 था, तो हमें जो आउटपुट मिला, हमें आउटपुट मिला 30। ठीक है, फिर से एक बार मैं इसको समझाता हूँ कि क्या हमने एक्चुअल में किया। हमने एक्चुअल में दो वेरिएबल्स लिए, एक का नाम है नम वन, दूसरे का नाम है नम टू। ठीक है, दो वेरिएबल्स नम वन नम टू। ठीक है, नम वन में 10 वैल्यू दे दिया, नम टू में 20 वैल्यू दे दिया। ये चीजें हम ऐसे भी कर सकते हैं, सपोज पहले नम वन लिखा फिर नम टू लिखा, ठीक है, और फिर ये सम लिखा। फिर यहाँ पर नंबर वन में दे सकते हैं सपोज 10 एंड नंबर टू में दे सकते हैं 20। तो ये अलग अलग करके भी हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने शॉर्टकट में लिखा था, यही पे इसका वैल्यू दिया था। तो दोनों चीजें वैलिड है, चाहे पहले डिक्लेयर करो, ठीक है, फिर उसके बाद वैल्यू दे दो, या एट द बिगिनिंग जहां पर आप इसको डिफाइन कर रहे हो वहीं पर आप इसका वैल्यू भी दे सकते हो। फिर मैंने एक और इंटीजर लिया सम, इस सम में मैंने क्या किया, इन दोनों का एडिशन किया। वैसे ही जैसे x इज इक्वल टू, अगर सपोज ये a और b है तो ये है x, x इज इक्वल टू a एंड b, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैथमेटिक्स में करते हैं, वी हैव x एंड वी हैव y, देन वी राइट लाइक दिस, z इज इक्वल टू x प्लस y। तो z में जो है, z जो हमारा z जो है उसमें x और y का वैल्यू आ जाता है, उन दोनों का सम आ जाता है, जैसे बेसिक अलजेब्रा है, जस्ट सिंपल बेसिक अलजेब्रा। अब मैंने यहाँ पे x और y के बदले नंबर वन और नंबर टू इसका नाम रखा, ठीक है, और सम में इन दोनों का सम किया। तो बाद में मैंने प्रिंट अप किया, प्रिंट अप का इतना तो पोर्शन आपको पता है प्रिंट अप, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा अलग अलग करके दिखाता हूँ, ठीक है, मैं इसको अलग अलग करके दिखाता हूँ। सपोज सम, ठीक है, पहले हम इतना करेंगे, इतना तो आपको पता ही है, फिर हम क्या कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ, अब ये तो मैसेज देगा, इतना ही लिखेगा प्रिंट अप। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या आ जाए, यहाँ पे आ जाए, अब सम इज इक्वल टू जो आ गया उसके बाद आ जाए मुझे इस वैल्यू, इस सम का वैल्यू आ जाए, ये जो सम है इसमें जो गया है वैल्यू वो आ जाए। तो वैल्यू लाने के लिए मुझे लिखना पड़ता है परसेंट डी, इंटीजर के लिए, इंटीजर के लिए परसेंट डी, ठीक है, फिर कोट्स के बाहर आना पड़ता है, फिर कॉमा करना पड़ता है, फिर परसेंट डी। अब ये परसेंट डी तो मैंने दे दिया, लेकिन मैंने इसको ये नहीं बोला कि किसका वैल्यू देना है, मैं इसको फिर इसका नाम लिखता हूँ, इस वेरिएबल का नाम, मैंने इसको यहाँ पे इस वेरिएबल का नाम लिखा, ठीक है, इस वेरिएबल का नाम लिखा। तो अब ये खुद समझेगा कि मुझे अब यहाँ पे एक वैल्यू डालना है, किसका वैल्यू डालना है, सम का वैल्यू डालना है, ठीक है। जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, जब हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसको टर्मिनेट करते हैं, तो जो ही हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमें एक आउटपुट मिल रहा है, ठीक है, जिसका वैल्यू जो है, जिसका वैल्यू टोटल जो है 10 और 20 का एडिशन, ठीक है। तो दो तरीके भी है, ऐसे भी हम कर सकते हैं और ऐसे भी हम कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी हमने किया, या इससे पहले जो हमने यहाँ, अब हमने इसको शॉर्टकट में किया था, शॉर्टकट में हमने इसको परसेंट डी यहीं पे लिखा था, और बाद में ऐसे करके सम इसको लिखा, ताकि जो है ये जो सारी चीजें हैं हमें एक ही जगह पे आ जाए, ठीक है। दोनों चीजें वैलिड है, आप वैसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर, इसमें वैल्यू जो है सम यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो गया, ठीक है। तो क्या हो, परसेंट डी क्या देता है हमें, परसेंट डी वैल्यू देता है, लेकिन हमें इसको बताना पड़ता है कि किसका वैल्यू, तो हमने यहाँ इसको बोला कि सम का वैल्यू दे, ठीक है। तो ये तो था बेसिक्स कि कैसे हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, और आज हमने एक सम ऑफ टू नंबर्स का भी प्रोग्राम देखा कि कैसे दो नंबर्स का हम ऐड कर सकते हैं इन सी।